आपको वजीर आजम हमने बनवाया है, गैस पर पाबंदी है, अगर यही रवैया रहा तो वोट नहीं दे सकेंगे। वजीर आजम ने जवाब में कहा, सबके सामने आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं आपको रोज रोज बुलाकर वोट मांग रहा हूँ, अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भी ऐवान में मौजूद। वजीर खजाना मिनी बजट बिल पेश करेंगे। शौकत तरीन की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी, उमर अयूब ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बजट पेश कर दिया। MQM पाकिस्तान के मिनी बजट की हिमायत का ऐलान। डबल रोटी, नमक, मिर्च, छोटी गाड़ियों पर टैक्स में कमी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फाइनेंस बिल में बच्चों के दूध पर लगाया गया टैक्स खत्म कर दिया है। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है नवाज शरीफ और जरदारी का नहीं। हुकूमत तो पहले दिन से ही नाकाम है, मुअम्मा में पड़ी है। फाइनेंस बिल की नाकामी से मुतालिक सहाफी के सवाल पर आसिफ जरदारी का जवाब, यूरिया खाद के बहरान पर तशवीश का इजहार। मुस्लिम लीग नून का पार्लियामेंट हाउस के सामने महंगाई के खिलाफ एहतजाज, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का खिताब, कहा मुल्क में महंगाई को काबू करना नामुमकिन हो चुका है, मिनी बजट अवाम को मजीद तबाह करेगा, मिनी बजट से गरीब आदमी का गला घोंटा जा रहा है। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के अजलास में गैस के मामले पर हम्माद अजहर और परवेज खटक के दरमियान भी तल्ख कलामी। जराए के मुताबिक परवेज खटक इजलास से गुस्से में उठकर चले गए, राजी करके वापस बुलाया गया। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज खटक ने तल्ख कलामी की तरदीद कर दी, कहा अपना वॉकआउट किया, वो तो सिगरेट पीने के लिए इजलास से बाहर गए थे। इसमें सर आपकी हमारे साहब से कोई सर थोड़ी कलामी है गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया, मैंने सिर्फ बात की अपने। ज़िमनी फाइनेंस बिल से आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का दावा, कहा शहबाज शरीफ तैयारी कर लें, अब उन्हें हिसाब देना होगा। नेपरा ने 4.30 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी कर दी, नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने नवंबर 2021 के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया, लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा तमाम सार्फिन पर इतलाक होगा। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान की जरदारी हाउस आमद, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, दोनों रहनुमाओं ने मिनी बजट, अवामी मसाइल और मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजलुर रहमान से सरबरा BNP अफसर बेंगल की मुलाकात, मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, मिनी बजट पर दोनों रहनुमाओं का तशवीश का इजहार, मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 7वीं मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी, मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट की भी मंजूरी, वज़ीर आज़म ने कहा यह फैसला हुकूमतों में बाहमी तआवुन के जज्बे को जाहिर करता है, वफाकी हुकूमत मुशावरत से कौमी मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में इजहार ख्याल। नए बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना, 14वें रोज भी जारी। उधर जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती तरमीमी कानून 2021 पर सिंध हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए, आइंदा समात पर जवाब तलब, समात गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील ने दरख्वास्त वापस ले ली।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्ला ने रियासत और NDMA को सालह मरी का जिम्मेदार करार दे दिया। NDMA को मीटिंग बुलाने के लिए वजीर आजम को खत लिखने की हिदायत। सालह मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ दरखास्त की समाअत पर कड़े रिमार्क्स। अदालत का NDMA को आइंदा हफ्ते मीटिंग बुलाने का हुक्म। नेवी सेलिंग क्लब अरासी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाक बहरे की नजरसानी की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। अदालत की सिंगल रुकनी बेंच फैसले के खिलाफ नई आईनी अपील दायर करने की हिदायत। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या अटॉर्नी जनरल ऑफिस को छोड़कर नेवी खुद अपील में आ सकती है। नेवी ने सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ तीनों अपीलें वापस ले ली। मकतूल नौजवान शाहरुख की नमाज जनाजा रहमानिया मस्जिद तारिक रोड पर अदा कर दी गई। शाहरुख गुज़िश्ता रोड कश्मीर रोड डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। मकतूल के भाई की मुदैयत में मुकदमा दर्ज। भाई का सिक्योरिटी गार्ड और रिक्शा ड्राइवर पर शुभात। कहा सिक्योरिटी गार्ड के सामने वाकया पेश आया, गार्ड उस दिन से गायब है। कराची की सेशन कोर्ट मलीर में नाजिम जोकियो कातिल केस की समाअत। मुकदमे में नामजद 5 मुलजमान की उबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। मुलजमान अहाते अदालत से फरार हो गए। भारत एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचा सकता है। आलमी बरादरी की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया। कहा भारत में मुसलमान खवातीन की तज़हीर हिरासत करने की मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी से इंसानियत के खिलाफ जराइम के एहतसाब का मुतालिबा करते हैं। मुल्क भर में सर्दी का जोर। गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। निजाम जिंदगी मफलूज। क्वेटा बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में खून जमा देने वाली सर्दी। कराची में भी सर्दी ने शहरियों के दांत बचा दिया। आजाद कश्मीर में बर्फबारी। वादी लीपा ग्रीस वैली भेड़ी की शाहराहें 10 रोज से बंद। पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया।